दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो ई पाठशाला 4.0 का क्रियान्वयन है उसमें सीधे महानिदेशक महोदय के सेशन में क्या कहा गया, जिले स्तर से लेकर विद्यालय एवं ग्राम स्तर पर SRG, ARP, डाइट मेंटर, शिक्षक, अभिभावक की क्या क्या भूमिका है और कैसे कैसे कंटेंट शेयर करने हैं। जी, तो अब बात करते हैं मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला। अभी तक हमने बात किया कि जब विद्यालय खुलेंगे तो उसमें किस तरह से हमें इस तरह के मटेरियल से मदद मिल पाएगी, किस तरह से हम क्वालिटी डिलीवर कर पाएंगे। पर अब जिस समय में विद्यालय नहीं खुले हैं उस समय में हम सभी को मालूम है कि हमें बच्चों को रीच करने की ज़रूरत है। इस समय में बच्चों को ना ही सिर्फ पढ़ाई में बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो उस सब को सोच में रखते हुए नया ई पाठशाला का इस तरह से एक डिज़ाइन तैयार किया गया है। आप सभी ARPs, SRG का डायट मेंटर से अनुरोध है कि प्लीज़ इसको बहुत ही ध्यान से सुने। यही सेम जो प्रेजेंटेशन जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपसे अनुरोध है कि जब आप अपने ब्लॉक या जनपद के शिक्षकों से बात करें तो इसी तरह से प्रेजेंट करें। तो मैं आपसे एक-एक करके हर घटक के बारे में चर्चा करूंगी। तो ओवरऑल ये समझना है कि इस नए पाठशाला में पांच घटक डालकर इसे होलिस्टिक बना दिया गया है। इसके अंदर सबसे पहला घटक है, पढ़ने के लिए हमें बच्चों को कुछ ना कुछ सामग्री देना है, वो सामग्री जो कि बच्चा आसानी से कंज्यूम कर सके। अब वो सामग्री बच्चे को अगर शिक्षक क्लासरूम में बुलाकर नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें किसी वीडियो के माध्यम से दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में दूरदर्शन एक मीडियम है जिससे हम भेज रहे हैं इस तरह का ऑडियो वीडियो कंटेंट। और दूसरा चीज़ है, इस तरह की बहुत ही सुंदर और आकर्षक वीडियोज हैं जिनका लिंक बना बनाकर हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हैं। दूसरा चीज़, अब दूसरी चीज़ में इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे सिर्फ, और ये बहुत रिसर्च में भी कहा गया है कि बच्चे सिर्फ इससे नहीं सीखते कि वो कोई वीडियो देख लें, बच्चे तब सीखते हैं जब वो कोई प्रैक्टिस कर कर देखें। तो इस बार अभ्यास को भी यहाँ पर इंकॉर्पोरेट किया गया है। इनके बारे में डिटेल में मैं आपको अगले स्लाइड पर बताऊंगी। तीसरा चीज़, ये देखा गया है कि जो अभिभावक हैं वो बच्चों को और ज़्यादा अच्छे से शिक्षक से जोड़ते हैं जब किसी तरह का एक छोटा सा क्विज या किसी तरह का इस तरह का एंगेजमेंट हो जिसके अंदर शिक्षक बता सके कि बच्चे ने कैसा किया। तो इसलिए एक ऑनलाइन क्विज को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। चौथा चीज है, शिक्षक और अभिभावकों को आपस में जोड़ना, शिक्षकों को अभिभावकों से बातचीत करना है। ये बातचीत पहले भी किया जाता था पर इसको अब और स्ट्रीमलाइन तरीके से करना प्रस्तावित है। पांचवा चीज है, हम इसमें समुदाय को भी जोड़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि ये वो समय है जब हम सभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कोई भी तरीका और सिवाय ऑनलाइन मीडियम के काम नहीं करेगा। तो हमें इनोवेटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि हम कैसे कोशिश करें कि बच्चों तक कोई भी डिवाइस अवेलेबल हो, चाहे वो टीवी हो चाहे वो फोन हो, जिससे बच्चा कुछ तो कंटेंट सीख सके, किसी तरह से शिक्षक से जुड़ सके। तो इस तरह से इसको पूरा का पूरा एक कंबाइंड होलिस्टिक अप्रोच के साथ में तैयार किया गया है। ये पूरा का पूरा हमने लॉन्च किया था इस बार 1 जून से। तो अब आज आपको, आपके साथ में इसका एक लेटर भी साझा किया जा रहा है जिसके अंदर बहुत ही डिटेल से बताया गया है कि किस तरह से इसको आगे क्रियान्वित करना है। अब इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग ARP, SRG और डायट मेंटर पूरा का पूरा प्रोग्राम को लीडरशिप दे रहे हैं, एकेडमिक लीडरशिप दे रहे हैं। तो एक एक कर कर समझते हैं कि इस तरह की ये इंटरवेंशन है क्या। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पढ़ने के लिए सामग्री। पढ़ने के लिए सामग्री को देने के दो तरीके हैं, एक दूरदर्शन और एक व्हाट्सएप के माध्यम से। तो दूरदर्शन पर सुबह 9 से 1 बजे तक आधे आधे घंटे के स्लॉट होते हैं जिनके अंदर कुछ वीडियो के माध्यम से, ये बहुत ही सुंदर वीडियोज हैं जो कि हमारे SCRT में हमारे शिक्षकों की मदद से बनाए गए हैं, जिसके अंदर हर चैप्टर के लिए बहुत डिटेल में बच्चों को बहुत ही एंगेजिंग तरीके से बहुत ही प्यार से बताया जाता है कि क्या करना है। आप खुद भी उन वीडियोस को देख रहे हैं, आप खुद भी बना रहे हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसको हमें आगे बच्चों तक कितना इम्पोर्टेंट है पहुंचाना। दूसरा चीज है कि हम व्हाट्सएप पर क्या भेज रहे हैं।
तो व्हाट्सएप पर जो चीज हम भेज रहे हैं उसका मैं आपको एक बार व्यू भी यहाँ दिखाना चाहूंगी। तो इस तरह का एक पीडीएफ है जो कि हम आपसे शेयर करते हैं। इस पीडीएफ के अंदर दूसरा पेज जो है वो बताता है पूरे दिन में अगर ई पाठशाला चलाना है तो अभिभावक को क्या क्या चीजें करना चाहिए। पहला चीज व्हाट्सएप पे अपने शिक्षकों से जुड़ना चाहिए। दूसरा चीज प्रेरणा लक्ष्य ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। प्रेरणा लक्ष्य ऐप को अभी बदल दिया गया है, इसको बच्चों की प्रैक्टिस के लिए और बेहतर बनाया गया है ताकि बच्चे को बड़ों का सपोर्ट ना चाहिए हो। इसके अंदर एक ऑडियो का बटन है जिसको आप क्लिक करेंगे तो वो बच्चे जो अभी पढ़ना नहीं जानते हैं वो भी सुनकर इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से है। आप सभी शिक्षकों से, आप सभी एआरटी से, एसआरजी से भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ट्राई करके देखें। इसके अंदर प्रश्न भी नए तरीके से डाल दिए गए हैं। जो नए प्रश्न डाले गए हैं उसमें वो चेक कर लेता है। मान लीजिए अगर एक प्रश्न है जो कक्षा 2 के बच्चे को डाला गया है, अगर बच्चा नहीं कर पाता है उस प्रश्न को तो वो उसे थोड़ा आसान सवाल देगा, और अगर वो कोई मुश्किल सवाल भी हल कर देता है तो वो उसे और मुश्किल सवाल तक आगे बढ़वाता चला जाएगा। तो इस तरह से पूरा ऐप डिजाइन किया गया है, ये करना है। तीसरा चीज है दीक्षा। दीक्षा पर बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर वीडियोस हैं जो कि डाली गई हैं। जो हम कंटेंट भेजते हैं वो तो देखना ही है, पर इसके अलावा भी बहुत कंटेंट है जो कि बच्चा अगर दीक्षा डाउनलोड करे तो देख सकता है। और आखिरी में यहाँ पर एक वीडियो डाला गया है। ये वीडियो बताएगा कि इस पूरे पीडीएफ का इस्तेमाल कैसे करना है। अब आप ये जो राइट हैंड साइड वाला पेज देख रहे हैं इसमें दिया है बच्चे के साथ प्रतिदिन दिनचर्या क्या रहेगी। तो बच्चे के साथ पेरेंट को या फिर कोई भी गार्डियन जो है उनको क्या करना होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि 1 घंटा बच्चों के साथ फोन या फिर किताब लेकर पढ़ाई करने जरूर बैठें। इसमें जो भी बच्चा एक्टिविटी करता है उसका एक फोटो शिक्षक के साथ में जरूर साझा करें। एक फोटो या एक वीडियो कर सकते हैं। 20 मिनट प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर भाषा और गणित के प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें। दिन में 30 मिनट बच्चों को दूरदर्शन पर जो भी कार्यक्रम आ रहा है वो दिखाएं, और हर शनिवार को जो क्विज भेजा जाएगा, जो कि हम कल पहला क्विज आप सभी को भेजेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चों से प्रतिभागिता कराएं। तो इस तरह से यही यही पूरी की पूरी दिनचर्या जो है, ये दिनचर्या हर शिक्षक को आगे पेरेंट को कम्युनिकेट करनी है। ये सब करने के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि जब आप लोग अपना वीसी करेंगे शिक्षकों के साथ में, तो आप उन्हें इसी तरह से ये सब कुछ एक्सप्लेन करें। फिर उसके बाद में आता है किस तरह से एक्चुअली में कंटेंट भेजा जाता है। तो इन्हें अलग अलग तरह से कक्षा 1 और 2 के लिए सिमिलर सामग्री है, कक्षा 3 के लिए अलग सामग्री है, इस तरह से लिंक बनाए गए हैं। सिंपल लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो खुल जाएगा पूरे जून महीने के लिए। आप अगर एक बार इन वीडियोस को खोल कर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत ही आसान से, बहुत ही सिंपल सिंपल से एंगेजिंग समर कैंप तरह की एक्टिविटीज हैं जो कि प्राइवेट स्कूल जैसे बच्चों को भी दिखाया जाता है। तो उनसे भी हम कहेंगे ये बेहतर कॉन्टेंट है। बहुत ही सुंदर सुंदर स्टोरीज हैं जिनको यहाँ पर डाला गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सबको आगे जरूर बच्चों को दिखाएं। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वीडियोस को दिखाने से, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज वीडियो के एंड में बताया जाता है जो कि बच्चे कर सकते हैं, अभिभावक कर सकते हैं बच्चों के साथ में और शिक्षकों से साझा कर सकते हैं। तो इसका यूजेज बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी तरह से ये येलो कलर में पूरा का पूरा प्राइमरी के लिए भेजा जाता है। प्राइमरी के लिए कक्षा 5 तक इस तरह से एक पूरा पीडीएफ भेजा जाता है। सिमिलर तरह का पीडीएफ जो है वो ब्लू कलर में अपर प्राइमरी के लिए भेजा जाता है। इसके अंदर कक्षा 6, 7 और 8 के लिए अलग अलग तरह से पेजेस में सामग्री है। तो ये बात थी हम किस तरह से व्हाट्सएप का कंटेंट भेजते हैं। अब हम दूसरे पार्ट में बात करते हैं विषयवार अभ्यास कैसे किया जाए। जैसे मैंने आपसे बताया कि प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर दिन में 20 मिनट कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 के सभी बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर खास तौर पर ये कक्षा 1 से 5 के लिए है। कक्षा 6 से 8 के लिए दीक्षा ऐप पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे कुछ क्विज हैं जिनको बच्चे कर सकते हैं। तो इनकी मदद से बच्चे को प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर तीसरा पार्ट जो हमने बात किया कि किस तरह से हम क्विज आपको हर शनिवार भेजेंगे।
तो कल वो पहला शनिवार है जिसके अंदर हम आपको एक ऑनलाइन क्विज भेजेंगे जो कि आपको आगे शिक्षकों तक, आगे अभिभावकों तक भेजना है, और कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। इसका मकसद ये नहीं है कि बच्चे के मार्क्स कितने आए या नहीं आए, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चा कुछ तो करे, किसी तरह से एंगेजमेंट शुरू करे। तो आप कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर आपके ब्लॉक में आपके शिक्षकों के माध्यम से जुड़ सकें। फिर हम चौथे की बात करते हैं जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं शिक्षक और अभिभावक को आपस में जोड़ना। तो अभिभावकों से हम जनरली पहले भी बातचीत करते चले आए हैं, कभी मैसेज के थ्रू, कभी अलग अलग तरीकों से। अब इस नए ई पाठशाला में इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चों से रेगुलर टच पॉइंट बनाएं। ये समय ऐसा है कि एक साल लगभग बीत चुका है जब बच्चे स्कूल नहीं आए हैं। अब लगभग इस साल में भी जब तक बच्चे वापस आएंगे तब तक गैप बहुत ही बड़ा हो गया होगा, शिक्षकों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी, तो वो ना हो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अभिभावकों से हर 15 दिन के अंदर जुड़े। कोशिश करें हर 15 दिन के अंदर हर अभिभावक जिनका फोन नंबर अवेलेबल है, अगर ऐसे भी अभिभावक हैं जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है तब भी उन्हें फोन पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर सुझाया जाए। तो इतने पेरेंट्स से ज्यादा पेरेंट्स से जरूर बात करना चाहिए। तो ये बताया गया है, आप सभी को ये याद रखना है, हर 15 दिन में हर पेरेंट को कम से कम एक बार कॉल जरूर जानी चाहिए। अब इस सब में शिक्षकों को सपोर्ट करने के लिए ई मेंटरिंग है, और ये जो यूट्यूब लाइव हम कर रहे हैं इससे हम आपको समझा रहे हैं। तो इसी तरह से अब आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप जब ई मेंटरिंग करेंगे, ई सपोर्टेड सुपरविजन करेंगे, तो आप जब अपने विद्यालयों के शिक्षकों से बात करेंगे तो उन्हें इसी तरह से पूरा का पूरा ओवरव्यू दीजिएगा, उन्हें सुझाइएगा कि किस तरह की चीजें किया जा सकता है। किसी भी एक बच्चे को थोड़ा सा भी अगर फायदा मिल सकता है तो हमें जरूर पहुंचाना है। फिर आखिरी बात है समुदाय को जोड़ना। तो इसके अंदर जो वॉलंटियर्स होते हैं, कुछ हमारा समाज इस तरह का है कि कम से कम कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो कि शिक्षा के लिए कुछ फील नहीं करता। सभी लोगों को आज के समय में पता है कि बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले साल में अपने आप को वॉलंटियर किया है और बच्चों को अपने साथ जोड़ जोड़ कर पढ़ाया है। तो ऐसे ही अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, जो भी विश्वासपूर्ण व्यक्ति हो, उन्हीं से प्रेरणा लेकर यहाँ पर एक प्रेरणा साथी का कॉन्सेप्ट डाला गया है। प्रेरणा साथी जो है ये शिक्षकों को और हेडमास्टर को कोशिश करना है बच्चों से जब फोन करके बात करेंगे उस समय में पूछें कि कौन कौन लोग हैं जो कि जुड़ सकते हैं इस अभियान से, और बच्चों तक भी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक भी इस सामग्री को अवेलेबल करा सकते हैं। अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग की तरह कुछ बच्चों को अच्छे ग्रुप में बिठाकर और एक फोन के माध्यम से सिखा सके, तो जो जो मोबाइल फोन सिर्फ एक बच्चे को मदद कर रहा था वो अब कम से कम 5 से 10 बच्चों को भी सपोर्ट कर सकता है। तो इस तरह से आपको मोटिवेट करना है लोगों को ताकि वो इस प्रोग्राम से जुड़े। अब इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा कि उनके कार्य दायित्व भी क्या होंगे। उन्हें अपना स्मार्टफोन जो भी होगा वो गाइडेंस के अंदर बच्चों को खोल कर देना होगा। ये जो कंटेंट सामग्री जो हम भेज रहे हैं इसको उन्हें खोल कर देना होगा कि किस तरह से बच्चे उस वीडियो को देख सके। तो इनके साथ में शिक्षकों को जुड़कर इन्हें ये व्हाट्सएप का मटेरियल और दूरदर्शन की डिटेल ये सब कुछ साझा करते रहना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, जो हमने बात किया कि अब इस सब में ई मेंटरिंग के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भी इस पूरे के पूरे अभियान में सभी शिक्षकों को जोड़ने के लिए ये जो ई सपोर्टिव सुपरविजन है इसे करें। इसके अंदर आप सभी से अनुरोध है कि एआरपी हर 15 दिन में 30 विद्यालयों के शिक्षकों से बातचीत करें। ये बातचीत करने के लिए बहुत आसान है, आप केवल अपने फोन का व्हाट्सएप वीडियो कॉल से सभी शिक्षकों को जोड़ सकते हैं और एक चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह से सभी बच्चों को सपोर्ट किया जा सकता है, कितने बच्चों को सपोर्ट किया जा रहा है, इस तरह से आप चर्चा कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो चर्चा का बातचीत का तरीका है ये मनोबल बढ़ाने वाला हो,
इसके अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करें, हम इस बारे में चर्चा करें कि किस किस तरह से बच्चों ने अपना कंटेंट आपस में साझा किया है, किस तरह से नई नई चीजें अगर हम कर पा रहे हैं बच्चों को जोड़ने के लिए तो वो भी किया जा रहा है, क्या चीजें हैं जो बच्चे अच्छे से कर पा रहे हैं, क्या चीजें हैं जो बच्चे अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा विस्तारित आपको डिस्कशन करना चाहिए शिक्षकों के साथ में। इसमें एसआरजी से रिक्वेस्ट है हर 15 दिन में 20 यूनिक विद्यालयों से बात करें और डायट मेंटर 10 यूनिक विद्यालयों से बात करें। इन सब के लिए एक नया मॉड्यूल बनाया गया है जिसके बारे में मैं अभी आपको इसके बाद में बताऊंगी। तो इस सब में शिक्षकों का जो दायित्व रहेगा उसमें एक जो हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं वो जो फोन कॉल करेंगे, जो हर 15 दिन में हर अभिभावक से बातचीत करना है, उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि किस तरह से क्या क्या चीजों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। व्हाट्सएप और दूरदर्शन पर प्रेषित सामग्री के बारे में बात कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर व्हाट्सएप पर भेजे हुए क्विज में प्रतिभाग करने के लिए। इस सब में इम्पोर्टेंट रहेगा कि बच्चे के लिए बच्चे का और उसके परिवार का जो अभी स्थिति है उसको समझते हुए बच्चे को जो भी मानसिक सहयोग या जो भी मोटिवेशन या प्रेरणा देना है वो भी दिया जाए, बच्चे को सपोर्ट दिया जाए। तो जो भी आप बातचीत करें तो उसके अंदर जरूर देखें कि बच्चों को सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसी साथ में जो भी बच्चे अपना अभ्यास कार्य आपसे शेयर करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि आप उस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन बच्चे को जरूर दें, उसी से बच्चे इंकरेज होते हैं। बच्चों के लिए शिक्षक उनके सबसे इम्पोर्टेंट टच पॉइंट होते हैं, सबसे प्रेरणादायक लोग होते हैं उनकी लाइफ में, उनका एक गुड कहना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह से जो हमने अभी बहुत सारा कुछ आजकल जो शिक्षक हमसे वापस शेयर कर रहे हैं उसमें भी देखा है कि बहुत सारे शिक्षक अलग अलग तरीके यूज करके, अलग अलग कलर से फोन पर ही टिक मार्क करके चीजें चेक कर कर वर्कशीट चेक कर कर भेज रहे हैं। तो इस तरह से ही किया जाना है।